और उधर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धोखाधड़ी के एक मामले में न्यूयॉर्क की एक अदालत में पेश हुए। आरोप है कि ट्रंप ने अपनी रियल एस्टेट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए धोखाधड़ी की, जिसके लिए उन्होंने वहां के बैंकों और बीमा कंपनियों का सहारा लिया। आरोप है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके बेटे ने धोखाधड़ी कर अवैध तरीके से अपनी रियल एस्टेट कंपनी के जरिए अरबों डॉलर की संपत्ति बनाई, और इन्हीं आरोपों को लेकर न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने उन पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर न्यूयॉर्क की एक अदालत में सुनवाई हुई। हालांकि कोर्ट में पेशी के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पर गंभीर आरोप लगाया और अगले साल अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की वजह से इस मामले को सियासी चाल भी बता दिया। इधर बिहार के गोपालगंज में धार्मिक जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। आरोप लगा कि वहां की एक मस्जिद से कुछ लोगों ने उस जुलूस पर पथराव किया, जिसके बाद देखते ही देखते दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए और दूसरी तरफ से भी पत्थरबाजी शुरू हो गई। आरोप लगा कि वो धार्मिक जुलूस जैसे ही गोपालगंज के हथुआ इलाके में बनी उस मस्जिद के सामने से गुजरा, उस पर पथराव किया गया। वहां से सामने आए वीडियो में कुछ लोग उस मस्जिद की छत पर खड़े होकर पत्थर फेंकते भी दिखाई दिए, जिसके बाद जुलूस में शामिल लोगों ने भी जवाबी पत्थरबाजी की। दोनों तरफ से पथराव के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बवाल की सूचना पर वहां पुलिस अधिकारी फोर्स के साथ पहुंचे। इस दौरान हालात पर काबू करने के लिए SDPO ने जुलूस को आगे बढ़ाने के लिए धार्मिक नारे भी लगाए। पत्थरबाजी से जुलूस में शामिल कई लोग घायल हुए, जिसके बाद तनाव को देखते हुए वहां भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और पुलिस अधिकारियों ने हालात काबू करने का दावा किया। मध्य प्रदेश में टिकटों का बंटवारा होते ही सियासी पारा चढ़ गया है। उम्मीदवारों ने प्रचार भी तेज कर दिया है। इंदौर की एक नंबर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का चुनाव प्रचार करने मशहूर कॉमेडियन एहसान कुरैशी इंदौर पहुंचे और उन्होंने वार्ड नंबर 10 में कैलाश विजयवर्गीय के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने CM शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय की दोस्ती को मामा और चाचा की जोड़ी बताया और कैलाश विजयवर्गीय की तुलना बॉलीवुड के दबंग सलमान खान से कर दी। कैलाश जी तो महान है, पूरे इंदौर की शान है और हम तो समझ रहे थे देवानंद होंगे, मगर ये तो दबंग के सलमान खान है। बॉलीवुड कॉमेडियन एहसान कुरैशी ने कैलाश विजयवर्गीय को प्रदेश का चाचा बताया। ये पहली बार है जब किसी ने कैलाश विजयवर्गीय को प्रदेश का चाचा बताया हो। तो साफ है कि इंदौर एक विधानसभा से टिकट मिलने के बाद अब कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर निशाना साधा, ये कहा कि प्रियंका गांधी के आगामी धार जिले और इंदौर जिले को लेकर कैलाश वर्गीय ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश भी गई थी, लेकिन वहां उनकी 2.5 सीट भी नहीं आई। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस के बेहोश होने का दावा कर दिया। जिस दिन से हम लोगों के टिकट डिक्लेयर हुए तब से पूरी कांग्रेस बेहोश पड़ी हुई है, यह इसका तोड़ क्या है, तब तक उनको तोड़ ही नहीं मिल रहा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमारे टिकट बंटवारे के बाद पूरी कांग्रेस अस्त व्यस्त और पस्त पड़ी हुई है, कांग्रेस को क्या करना है उन्हें समझ ही नहीं आ रहा।